अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। नमस्कार, आपका स्वागत है SM न्यूज चैनल पे। मेरा नाम है ज्योत्सना कुमार और आज हमारे साथ है इग्नो के प्रोफेसर, वरिष्ठ प्रोफेसर, प्रोफेसर शकुन कुमार। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि भगवान ने सृष्टि की रचना की है, पर ऐसा क्यों है कि बहुजन समाज आज भगवान को नहीं मानता है? क्या भगवान है या नहीं, आप इनसे क्या बोलना चाहिए? दरअसल बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और मुझे ऐसा लगता है कि भगवान है या नहीं है इस पर पूरी दुनिया में चर्चा होती रही है आदिकाल से और आज तक। लेकिन मैं यहाँ ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि भगवान है या नहीं है, इस प्रश्न के बीच मनुष्य की क्या स्थिति है, मनुष्य का जीवन भगवान और है या नहीं के बीच मनुष्य किस रूप में उपस्थित है, यानी क्या भगवान के कारण या भगवान से मनुष्य को बहुत कुछ मिलता है, भगवान से ही दुनिया चलती है। तो मैं यहाँ पर ये बात बताना चाहूँगा कि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं या हम जिस ग्लोब को जानते हैं, दुनिया जानती है, विज्ञान साइंस ये जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि हम जिस प्लैनेट पर रहते हैं उसे पृथ्वी कहते हैं, और पृथ्वी से हम जुड़कर देखते हैं कि हमारे सामने चांद दिखता है, और बहुत दिनों तक हमने देखा कि ये चांद जो है भगवान से और धार्मिक चीज़ों से जुड़ा हुआ था, लेकिन विज्ञान ने यह खोज निकाला कि वह एक उपग्रह है। और इसी तरह आज लगभग दुनिया में यह प्रमाणित हो चुका है कि बहुत सारे ग्रह हैं और अनंत ग्रह हैं, और हर ग्रह का अपना उपग्रह है, और यही नहीं आकाश गंगा है, और जाने कितनी आकाश गंगाएं हैं, और उससे भी जाने ब्रह्मांड है, और उससे भी जाने कितनी बड़ी चीज़ है, यानी दुनिया कितनी बड़ी है उसका कोई अता पता नहीं है। और हम अभी इसी खोज में हैं कि ये ब्रह्मांड है या आकाश गंगा है, और इसके आगे जाने कितने तारे हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, बड़े ग्रह हैं, तो उसकी खोज तो अभी बहुत ही अल्प, बहुत ही कम हो पाई है, और अनंत अनंत काल तक खोज होता रहेगा, फिर भी हम नहीं जान पाएंगे कि ये आखिर ये दुनिया है क्या। ऐसे में भगवान की कल्पना कैसे हुई, क्यों कर गई, तो मैं यहाँ पर यह जरूर कहना चाहूँगा, विशेषकर अपने देश में भारत में भगवान और धर्म से जुड़कर जो बातें कही गई उससे इस देश के बहुजन पीड़ित हैं, उत्पीड़ित हैं, सभी सुविधाओं से वंचित हैं, और विशेषकर उन्हें मूलभूत आवश्यकताओं से महरूम रखा गया है, दूर रखा गया है। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, भारत में, ऐसे तो दुनिया में हम जानते हैं, इतिहासकार जानते हैं, विद्वान जानते हैं कि धर्म की रचना जहाँ जहाँ हुई वहाँ पर अंधविश्वास आया, और ये अंधविश्वास इस रूप में आया कि वो बहुत से कर्मकांड को करने के लिए बाध्य हुआ, यह करो यह न करो, विधि निषेध के अंदर मनुष्य का जीवन सीमित रह गया। और इसी कारण हम यह पाते हैं कि हमारे देश में भगवान की कल्पना या भगवान के बारे में है या नहीं उसके लेकर चर्चा चल पड़ी, और जब हम इसके पीछे जाते हैं, देखते हैं, तो यह निश्चित रूप से हमारे सामने एक षड्यंत्र के रूप में हमारे सामने आता है कि इस देश के मूल निवासियों को, इस देश के बहुजनों को गुलाम बनाने के लिए भगवान की कल्पना की गई, और जो भी इस देश में जिसे हम मान ले, जिसे हम समझे,
और बहुत सारे प्रमाण हमारे सामने हैं, जो जाति व्यवस्था हमारे सामने है, जो धार्मिक व्यवस्था हमारे सामने है, उसमें हम देखते हैं कि समाज को चार वर्णों में बांटा गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। इसमें धर्म का जो नियामक है, धर्म का जो संचालक है, वह ब्राह्मण है। और वो ब्राह्मण सीधा सीधा भगवान से जुड़ा हुआ है, और इसीलिए जितने कर्मकांड इस देश में किए जाते हैं इस देश के जन जन के लिए, वह ब्राह्मण करता है। और क्योंकि भगवान से जुड़कर वो सारी बातें हैं, और इसलिए वो विधि निषेधों में चीज़ों को उलझाए रखा है। और इस कारण हम देखते हैं कि भगवान नाम की कल्पना के द्वारा एक बहुत बड़े समाज को, या इस देश के मूल निवासियों को, इस देश के बहुजनों को गुलाम बनाने का षड्यंत्र रचा गया। यानी हम अगर इसे, मैंने तो ऐसे एक कहानी में, भ्रष्टाचार नाम की कहानी में मैंने उसे प्रमाणित करने की प्रयत्न किया है कि कैसे समाज का एक चालाक व्यक्ति सोचा कि चलो अगर हमें इस देश में राज करना है तो हम कुछ ऐसी चीज़ करें और बैठे हुए हम आनंद लें, बैठे हुए हम सब कुछ प्राप्त करें, तो हमें कुछ कल्पना का सहारा लेना पड़ेगा। तो उसने भगवान नाम की चीज़ की कल्पना की कि भगवान है। लेकिन भगवान है तो भैया भगवान को तो कहीं सड़क पे तो रखा नहीं जा सकता था। तो फिर उसने सोचा कि हम भगवान को एक जगह स्थापित करें। तो फिर उन्होंने एक घर बनाया जिसे मंदिर का नाम दिया, और उसमें भगवान को स्थापित कर दिया किसी न किसी रूप में, पत्थर के रूप में, मूर्ति के रूप में, तरह तरह के आकार के रूप में। और हम तो जानते हैं पूरे देश में हम जाएंगे तो हमें विचित्र, यानी आप अगर थोड़े भी समझदार व्यक्ति हैं तो आप पागल हो सकते हैं कि ये मंदिरों में तरह तरह के विचित्र तरह के, और अब तो ये भी प्रमाणित हो रहा है कि बहुत जगह बुद्ध की मूर्तियों को ये हमारे खोजकर्ता निकाल रहे हैं कि बुद्ध की मूर्तियों को तोड़कर उसके लाल रंग से या पीले रंग से स्थापित करके उसको भगवान का नाम दे दिया गया है कि फलाने फलाने भगवान हैं, और विचित्र तरह के भगवान हैं, 10 हाथ वाले, 10 सिर वाले, तरह तरह के अजीब अजीब। तो इस तरह से एक कल्पना का सहारा लेकर इस देश के मूल निवासियों को, इस देश के बहुजनों को मूर्ख बनाने के लिए षड्यंत्र रचा गया। और लेकिन इसलिए उन्होंने मंदिर की स्थापना की, लेकिन इन चीज़ों से वो आगे नहीं बढ़ने वाला था। फिर उन्होंने सोचा कि भैया अब इससे आगे हम करें क्या कि जिससे कि हम समाज को नियंत्रित कर सके, समाज को उल्लू बना सके, समाज को अपने कब्जे में कर सके। तो उन्होंने कहा कि भैया यहाँ भगवान है, और आप यहाँ भगवान के पास आकर कुछ चढ़ाओगे, कुछ दोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। तो आरंभ में कोई व्यक्ति गया कि भाई चलो देखते हैं कि यहाँ जाकर कल्याण होगा, और उन्होंने जाकर कुछ भी चढ़ाया तो उसे कहा कि जा तेरा कल्याण होगा। फिर दूसरा व्यक्ति आया, उसने कुछ और अधिक दिया तो जा तेरा ज़्यादा कल्याण होगा। और इस तरह से यह भ्रष्टाचार एक तरह का शुरू हुआ, और यह भ्रष्टाचार इस रूप में शुरू हुआ कि इस भ्रष्टाचार में सारे लिप्त होते गए। यानी भगवान की कल्पना और भगवान से मांगने की या भगवान से कुछ पाने की जो कल्पना हुई, उसमें हर व्यक्ति ये सोचने लगा कि यहाँ से हमें ज़्यादा लाभ होगा तो वो ज़्यादा चढ़ाने लगा। और इस तरह से ये जो भ्रष्टाचार की शुरुआत एक तरह से हुई, ये जो भगवान की कल्पना की गई। जैसे मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा, बुद्ध ने कहा, बुद्ध से जब पूछा गया कि भगवान के बारे में आपकी क्या राय है, उन्होंने कहा व्यर्थ की बातों में समय नष्ट न करो। और मैं उसे इस रूप में कहना चाहूँगा कि अगर हमारे हाथ में पेपर बैठे तो हम किसी व्यक्ति को कह सकते हैं यह भगवान है तो इसे तुम मानो। तो एक व्यक्ति कहेगा हाँ तुम्हारे हाथ में पेपर बैठे और ये भगवान है तो मैं मानता हूँ। दूसरा कहेगा मैं नहीं मानता हूँ, ये भगवान नहीं है। लेकिन मैं अगर यहाँ कहूँ एक गैप में, खाली जगह पर, कि ये भगवान है तुम मानो, तो एक कहता हाँ भगवान है, दूसरा कहता है भगवान नहीं है, तो दोनों गलत हो गए। तो इस रूप में हमें इस चीज़ को लेना होगा कि ये कल्पना की चीज़ थी, और कल्पना की चीज़ से हमें इस देश के मूल निवासियों को बेवकूफ़ बना गया, और बेवकूफ़ बनाकर आज तक उनका शोषण हो रहा है। और आज तक इस देश में लाखों करोड़ों मंदिर हैं जिसमें हमारे बहुजन वहाँ जाते हैं कुछ पाने के लिए, कुछ जानने के लिए, लेकिन ये
कल्पना लोक में ही जाते हैं और इस कारण वो सारे कर्मकांड जीवन से लेकर मृत्यु तक वो इन चीज़ों को ढोते हैं और इस कारण उनका जीवन नारकीय है। वैज्ञानिक सोच उनके अंदर पैदा नहीं हो सकती है और ये सही रास्ता की ओर नहीं जा सकते हैं। और इसलिए आज के जो जब से महात्मा बुद्ध, ज्योतिबा फुले, बाबा साहेब अम्बेडकर, काशी राम जैसे लोग और बहुत सारे समाज उद्धारक इस देश में आए जिन्होंने इस षड्यंत्र को पहचाना, इसको नकारा और यही कारण है कि आज इस देश का बहुजन इस भगवान नाम की कल्पना को, इस विज्ञान नाम को, षड्यंत्र को उठाकर फेंक देना चाहता है और इसे फेंक कर वो मुक्त होना चाहता है अपनी प्रगति के लिए, समाज की प्रगति के लिए, देश की प्रगति के लिए। लेकिन अफसोस की बात है कि जो षड्यंत्र रचा गया उसमें अब तक हमारे देश के करोड़ों लोग उसमें लिप्त हैं, क्योंकि वह सदियों की है, पीढ़ी दर पीढ़ी उनके अंदर जो भय दिखाया गया भगवान का, उसके कारण आज भी वो उससे पीड़ित हैं और उस भय से उस निकलना नहीं चाहते हैं। लेकिन जहाँ ज्ञान की प्राप्ति होती है, जहाँ वैज्ञानिक सोच होता है और उस तरफ से वो निकलकर आज काफ़ी बड़ी संख्या में ही नहीं एक आंदोलन खड़ा हो चुका है और इस नाते वो भगवान नाम करके चीज़ को उठाकर फेंक देना चाहते हैं देश और समाज के उत्थान के लिए। धन्यवाद प्रोफेसर साहब, आपने बहुत ही सरल तरीके समझाया किस तरह भगवान का नाम लेके समाज को मूर्ख बनाया गया है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।